जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी हम कैसे तैयारी करें, किस किताब से पढ़ें और मैंने क्या क्या फॉलो किया, क्योंकि एक मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा कमेंट किया गया था कि सर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक क्या क्या होती है, उस पर आप वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये बात पहले क्लियर कर लीजिए कि बेस्ट बुक कुछ नहीं होता है, मैंने कैसे की तैयारी इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ अलग है, आपका माइंडसेट कुछ अलग है, शायद आप मुझसे तेज़ भी हों, ठीक है, आप मुझसे तेज़ भी हो सकते हैं, आप मुझसे थोड़े कम जानकार भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर नौकरी पा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ही सारा ज्ञान है, कई बेरोजगार लड़के हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान उनके पास होगा, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका शायद नहीं पता रहता है। देखिए बेस्ट बुक की अगर बात की जाए तो आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस आता है, जनरल नॉलेज, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, तो मात्र तीन टॉपिक आते हैं। लेकिन इन तीन टॉपिक को कैसे हम टैकल करें कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 नंबर तो सही होना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 120 में 119 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 119.7 के करीब कट ऑफ गया था, लेकिन डरने की बात नहीं कि 119 मतलब यार 120 में 119 क्वेश्चन कौन सही कर सकता है। जैसे आपको पता है यूपीएसआई में 160 में 159 नंबर गया था कट ऑफ, तो चूंकि वो तो फर्जी वाला था उसको पकड़ लिया गया, लेकिन अब आरपीएफ कांस्टेबल में 120 में 119 गया था, अगर मेरा हो भी जाता, मान लीजिए मैं फिजिकल क्वालिफाई कर लेता, मेडिकल क्वालिफाई, फिर भी मैं बाहर हो गया था वैसे भी फाइनल मेरिट में शायद, क्योंकि मेरा 96-97 के करीब सही था, एग्जैक्ट नहीं याद है, तो वैसे मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। लेकिन आपको क्या करना है कि टारगेट तो मान के चलिए कि 100 प्लस स्कोर सही करेंगे तो 100% यह है कि आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। और ये जान लीजिए, ये क्लियर आना चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल सभी इजी होते हैं, एग्जाम पैटर्न सबका लगभग सिमिलर होता है। अगर बेस्ट बुक की बात की जाए तो बेस्ट बुक जो आप यूपी पुलिस के लिए जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं उसी बुक से आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो आरपीएफ कांस्टेबल भी निकल जाएगा, उसी बुक से पढ़ेंगे तो एसएससी जीडी भी निकल जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में भी जीएस आएगा, उसमें भी रीजनिंग आएगा। हाँ, यूपी पुलिस एसएससी जीडी में हिंदी आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में हिंदी नहीं आता, बस इतना डिफरेंस है। तो जनरल नॉलेज की बात की है तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देने, जैसे एसआई का एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा, पेट का एग्ज़ाम होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको दो पुस्तकें, जैसे एक लुसेंट सामान्य ज्ञान, या तो ये इन दोनों में से कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। और इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, तो इन दोनों के साथ होना चाहिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट है, आप गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ लिए तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो क्वेश्चन अब नहीं समझ में आएगा तो आप इस चैप्टर इसको देखिए, इसमें अलग से पूरा डिटेल में दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके पास लुसेंट अथवा एक एसपी हैं उनके द्वारा एक किताब निकाला गया एनसीईआरटी सार संग्रह, तो एनसीईआरटी सार संग्रह और लुसेंट में से एक किताब होनी चाहिए और इसके साथ लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया जीएस के लिए। अब बात करें अगर मैथ के लिए, तो मैथ के लिए एसडी यादव, देखिए इस तरह की एसडी यादव अथवा राकेश यादव सर की पुस्तक होनी चाहिए, या फिर एसडी यादव राकेश सर की पुस्तक, या फिर कोई अन्य पुस्तक जो भी आपके पास हो, जैसे आरडब्ल्यूए की पुस्तक हो, या तो अरिहंत की पुस्तक हो, किरण पब्लिकेशन की पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो। मैथ में मेन फोकस ये करता है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, किसी भी किताब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, कितना क्वेश्चन लगाते हैं एक दिन में, वो ज़्यादा मैटर रखेगा, क्योंकि मैथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली नॉलेज नहीं और आवश्यकता होती है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, तीनों में मैथ बहुत मतलब हल्के क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट टू हाई नहीं होते, इजी टू मॉडरेट होते हैं। मतलब अगर इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे तो 35 क्वेश्चन में ही मान के चले कि आप 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन तक वो पहुँचेगा जो थोड़ा प्रैक्टिस किया रहेगा, मतलब उसको नॉलेज रहेगी, लेकिन 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन वो अभ्यर्थी पूरा कर लेगा जो डेली 2 घंटे पढ़ाई करेगा, 1 घंटे प्रैक्टिस करेगा मैथ का, तो ये मान के चलिए कि 35 में 35 तक सही कर सकता है वो। तो ये हो गई जीएस, मैथ, इन दोनों की रणनीति। अब बात करेंगे हम कि रीजनिंग, रीजनिंग में क्या करें, तो रीजनिंग में मात्र एक पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक, जैसे पीयूष वरसाने सर की पुस्तक आती है, आर के झा सर की पुस्तक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, आरडब्ल्यूए की पुस्तक आती है, घटना चक्र की कोई पुस्तक आती है, तो उसको
मतलब कोई भी एक पुस्तक आप फॉलो करें, रीजनिंग में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, रीजनिंग में कैसे तैयारी करना है, रीजनिंग में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में बेनिफिट करेगा, अन्य एग्जाम में भी बेनिफिट रहेगा वो, क्योंकि आपको सिलेबस जानना है। सिलेबस जानेंगे आप तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मान के नहीं चलना हमको कांस्टेबल आरपीएफ का एग्ज़ाम देना है, हमको यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना है, आपको सिलेबस पूरा करना है। हाँ ठीक है, मान लीजिए इसका एग्ज़ाम पहले पढ़ रहा है तो आप हिंदी को साइड में रख के मात्र जीएस रीजनिंग मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए, मैथ पे लगातार प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग पे लगातार प्रैक्टिस करिए और दिन में एक से दो प्रैक्टिस लगाइए एग्ज़ाम के टाइम में। तो दोस्तों ये रही हमारे बेस्ट बुक और रणनीति, किस तरीके से हमको फॉलो करना है किताबों को। मैंने कैसे की तैयारी, तो दोस्तों मैंने कभी ये नहीं सोच के तैयारी किया था कि मुझे एसएससी जीडी में जाना है। मैं तो बंदे पे दौड़ता था तो मुझे ये लगता था यार सफाई कर्मचारी की भर्ती है थे, मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊँ, ग्रुप डी में मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मतलब कोई भी एक नौकरी मिल जाए मैं सेट हो जाऊँ, घर छूटे मेरा और मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैंने कभी ये सोच के तैयारी नहीं किया था कि मुझे आरपीएफ में जाना है, मुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना है, मुझे यूपीएससी देना, मतलब इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ा, जीएस पढ़ना जीएस पढ़ा, मैथ पढ़ना मैथ पढ़ा, रीजनिंग मैथ उतना मेरा अच्छा नहीं था, पहले अच्छा नहीं था, अभी भी उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अगर 100% मैथ कहेंगे तो 70% मेरे आराम से सही हो जाएंगे। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में अगर 35% आ रहे हैं तो ये मान के चले कि 25+ तो सही हो ही जाएंगे, 100% सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सबको लेकर चलना है, ये नहीं कि आपका मैथ बहुत तेज है तो केवल मैथ को आप फॉलो करिए कि मैथ में 35 में 35 ला दिए, रीजनिंग में आपके 20% सही हो रहे हैं, जीएस में आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, इस तरीके से तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको सबको साथ लेकर चलना है, मैथ भी आपका एवरेज रहे, जीएस भी एवरेज रहे, हिंदी भी एवरेज रहे, जब सभी एवरेज रहेंगे तो आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पढ़ने का पैटर्न पता चला होगा, एग्जाम पैटर्न पता चला होगा, कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे रणनीति बनानी है आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।